गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर रॉबिन मदान और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नया टॉपिक, एक नया डिस्कशन ऑन प्री डायबिटिक फेज और प्री डायबिटीज। क्या होता है, क्यों होता है और हम इसे कैसे क्योर कर सकते हैं, इसी टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो पर अंत तक जुड़े रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज प्री डायबिटिक फेज, ये होता क्या है। कई बार ब्लड शुगर के लेवल अबोव 100 रहने लगते हैं, 9900 से ऊपर क्रॉस करने लगता है और 135 तक इसकी रेंज चली जाती है, 125-135 की रेंज में, और हमारा HbA1c लेवल भी बढ़ जाता है। इस फेज को प्री डायबिटिक फेज बोलते हैं। इसमें ब्लड शुगर के लेवल इतने हाई भी नहीं होते कि वो आपको क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन देने लगे, जैसे कोई किडनी के ऊपर असर, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल से वैल्यू ज़्यादा रहने लगती है। दिस फेज इज कॉल्ड प्री डायबिटिक फेज। अब जानते हैं ये ऐसा क्यों होता है। बहुत बार शुगर के बहुत इनटेक से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, गलत खान पान से, ओवरवेट से, एक्सरसाइज ना करना और बहुत सारा जो है स्ट्रेस लेना और नींद अच्छे से ना करना, बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करना और बहुत ज़्यादा शुगरी मील्स का लेना, रात का भोजन बहुत ज़्यादा हैवी लेना, ये सारे कॉम्पोनेंट है जिसकी वजह से ब्लड शुगर के लेवल हाई रह सकते हैं। एज फैक्टर भी एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है। उसके बाद फैमिली में अगर हिस्ट्री है डायबिटीज़ की तो भी आपके डायबिटिक होने के या प्री डायबिटिक होने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आती है, कोई मेडिकल इशू आता है, तो हमें डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और हमें अगर कोई ऐसा फीचर आता है या हमारा ब्लड शुगर का रैंडम लेवल 100 और 130 के इन बिटवीन मिलता है तो इस फेज़ को हमें पॉजिटिवली कंसिडर करना। इसे यूं ही नहीं छोड़ देना कि थोड़ी सी बढ़ी हुई है, दैट कैन हार्म यू और यू कैन कन्वर्ट इन टू द डायबिटिक पेशेंट। तो हमें इस चीज़ पर फोकस करना है कि हमारा शुगर का लेवल किस वजह से बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। अब इन संभव कारणों में कुछ दवाएं भी ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, जैसे कुछ स्टीरॉयड्स का सेवन, वाइसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। कोविड में बहुत से लोगों ने मिथाइल प्रेडनिसोलोन और इस तरह की दवाइयों का सेल्फ बेसिस पे जो है यूज़ किया है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग प्री डायबिटिक फेज में चल रहे हैं या फिर कुछ लोग डायबिटिक भी हो गए हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों के लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी है कि मेरा शुगर लेवल रेज्ड आ रहा है तो क्या ये मुझे कोई हार्म कर सकता है। बात आती है इन्वेस्टिगेशन की कि हम इसे कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन में सबसे इजी मेथड है ब्लड शुगर का चेकअप, कि अर्ली मॉर्निंग और एक फास्टिंग दो या फिर एक रैंडम ब्लड शुगर, अगर आपका ये वैल्यू कुछ रेज्ड आता है 100 से 130 के इन बिटवीन, देन हमें अपना HbA1c लेवल भी चेक कराना है। ये एक ऐसा ब्लड शुगर है जिसे जनरली लोग 3 महीने की शुगर या लंबी दूरी की शुगर या लॉन्ग टर्म शुगर भी बोलते हैं, उसका चेकअप कराना है, जो हमारे को ब्लड सैंपल को लैब में देकर पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद अगर इसकी वैल्यू अर्ली फेज़ में अगर हम कहें तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ डायबिटीज़ की तरफ से जो पिछली एक्सप्लेनेशन थी वो ये थी कि अगर किसी का 5.5 तक भी HbA1c लेवल है तो हम उसे डायबिटिक करार दे देते थे या डायबिटिक घोषित कर देते थे। लेकिन लेटेस्ट जो एक्सप्लेनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी की वैल्यू 5 to 6.5 तक भी है तो हम उसे प्री डायबिटिक फेज़ में रखते हैं, और ऐसा फेज़ जो रिवर्सिबल है कि हम उसको रिवर्स कर सकते हैं विद द मेडिसिन और विद द लाइफस्टाइल चेंजेस। तो दिस फेज इज़ कॉल्ड प्री डायबिटिक, कि आपकी ब्लड शुगर का लेवल 100 to 130 के इन बिटवीन और HbA1c का लेवल 5 to 6.5 के बीच, अगर इस फेज में आप हैं तो आप प्री डायबिटिक फेज में हैं। आपको सतर्क हो जाना है और अपने डिजीज़ के लिए अवेयर हो जाना है। उसके लिए आपको हर संभव प्रयास करना है ताकि आप प्री डायबिटिक फेज से वापस नॉर्मल फेज में चले जाएं। अब आता है कि इसके बारे में हम आगे कर क्या सकते हैं या इसका सलूशन क्या है। तो सबसे पहले हम हमारे डॉक्टर से मिलेंगे, ज़रूरी संभव जांचें कराएंगे, इसके साथ कुछ संभव जांचें और जो डॉक्टर चाहेंगे कि उनको क्लिनिकल फीचर्स में आपके अंदर कुछ नेगेटिव मिल रहे हैं तो उससे रिलेटेड वो टेस्ट वो भी कराएंगे। इन सब टेस्ट की इन्वेस्टिगेशन के बाद नतीजा क्या निकलता है, क्या आप प्री डायबिटिक फेज में हैं फर्स्ट, अगर हैं तो फिर हम इसके कन्वर्जन के लिए कुछ एक नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है फल फ्रूट का सेवन। आपको खाने पीने में काफ़ी सुधार करना है, बाहर का बाहरी भोजन कुछ नहीं लेना है, मैदा, तली हुई चीज़ें, मसालेदार भोजन, इन सभी से आपको बचकर रहना है। सेकंड,
आपको एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, डेली वर्कआउट करना है। अगर आपके पास लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम नहीं है कि जी आप बच रहे हैं किसी भी बहाने से कि मैं एक घंटा लगातार एक्सरसाइज नहीं कर सकता, या मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, या मेरा शेड्यूल बिजी है, या मैं तो जी 9 to 9 जॉब वाला हूँ, तो इस कंडीशन में आपको थोड़े थोड़े इंटरवल में भी वॉक कर लेनी है। कि अगर इवन आप ऑफिस में भी हैं तो अपना डेस्क कुछ देर के लिए छोड़ें और ऑफिस में ही थोड़ा सा वॉक कर लें। तो ऐसा 5-5 मिनट का इंटरवल भी आप जो है आपका कैलकुलेट होता रहेगा, वो आपके एग्जर्शन में इंक्लूड होगा। तो इस तरह से करके भी आप कुछ लिमिटेड वे में करें, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें। और अगर आप अपने लिए योगा, योगाभ्यास या कुछ मतलब नॉर्मल एक्सरसाइजेज, वॉक, साइकिलिंग आदि का टाइम निकाल सके तो वो बहुत ही बढ़िया है। थर्ड जो आप चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ योर स्लीप साइकिल, कि आप मॉर्निंग और इवनिंग का जो अपना टाइम है सोने और जागने का, वो बिल्कुल फिक्स रखें। उसमें चेंजेस जितने कम होंगे उतने ही आपके ब्लड शुगर के लेवल मेंटेन रहेंगे। तीसरा, अगर सेल्फ बेसिस पे या किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे आप किसी स्टेरॉयड का दवा का सेवन कर रहे हैं किसी भी कोई मेडिकल कंडीशन पे, तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि मेरा जो शुगर का लेवल है रेज हो रहा है, तो क्या मैं इस दवा को छोड़ सकता हूँ, या किसी भी वजह से अगर जल्दी इस डोज को कम किया जा सके तो क्या ये मेरे लिए स्वास्थ्यप्रद होगा। तो हमें इन सारी चीज़ों का अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। थर्ड, हमें वाटर का इंटेक काफ़ी करना है, कि जो पानी का इंटेक है, लिक्विड्स हैं वो हमें ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि लिक्विड्स जो हैं वो शरीर में हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, शुगर लेवल्स को मेंटेन करते हैं और आपको स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का पालन करके हम डायबिटीज़ को परिपक्व होने से बचा सकते हैं और हम प्री डायबिटिक फेज से नॉर्मल फेज में वापस आ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है आपको अपना स्ट्रेस डॉक्टर को दे देना है कि आई हैव सच 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 प्रॉब्लम, तो सर आप बताओ कि हमें इसको क्या करना है। आपका डॉक्टर उसका स्ट्रेस लेगा और आपको उसका निवारण बताएगा। तो घबराएं नहीं, अपने डिजीज से अवेयर रहें, सतर्क रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।